उदाहरण दो। प्रश्न, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी अनुपात कोण सी ओ बी बराबर 7:8 है तो सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। हल। प्रश्न में दिया गया है कोण ए ओ सी अनुपात कोण सी ओ बी बराबर 7:8। माना कोण ए ओ सी बराबर 7x, समीकरण नंबर 1। कोण सी ओ बी बराबर 8x, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चित्र में देखिए, रेखा ए बी पर किरण ओ सी खड़ी है, इसलिए रेखीय युग्म बनता है और इसलिए आप लिख सकते हैं कोण ए ओ सी धन कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश, या 7x धन 8x बराबर 180 अंश, या लिख सकते हैं आप 15x बराबर 180 अंश। इसलिए x बराबर 180 अंश बटे 15, या x बराबर 15 एकम 15 हो गया 30, यानी 15 × 30 तो हुआ x बराबर 12 अंश। इसलिए समीकरण 1 से जैसा हमने माना था कोण ए ओ सी बराबर 7x, या यहाँ पर जब हम x का मान रखें तो 7 × 12 अंश, इस तरह से हमें मिलता है 84 अंश। इसी तरह से कोण सी ओ बी बराबर 8x, या हम इसको लिख सकते हैं x का मान जब हम रखेंगे तो मिलेगा 8 × 12 अंश, या 12×8 = 96 अंश। तो कोण सी ओ बी बराबर मिला हमें 96 अंश, और कोण ए ओ सी बराबर मिलता है 84 अंश। चूँकि सभी कोणों के मान निकालने हैं, इसलिए एक कोण देखिए कोण बी ओ डी, ये कोण ए ओ सी के बराबर होगा क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, और इसलिए कोण बी ओ डी का मान है होगा 84 अंश। इसी तरह से चौथा कोण है कोण ए ओ डी, यह कोण सी ओ बी के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। आप और इसलिए कोण ए ओ डी का मान होगा 96 अंश। इस तरह से हमें दिए गए चित्र के सभी कोणों के मान निकल गए। कोण ए ओ सी बराबर 84 अंश, कोण सी ओ बी बराबर 96 अंश, कोण बी ओ डी बराबर 84 अंश, और कोण ए ओ डी बराबर 96 अंश। यह हमारा उत्तर है।